डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 अक्टूबर 2018। शुरुआत करते हैं। कल की जो क्विज थी उसके आंसर्स आपको बता रही हूँ। हाल ही में किस राज्य ने ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड का जो उपयोग है उसको प्रतिबंधित कर दिया है? आंसर है पंजाब। दूसरा प्रश्न था कि इसराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, ये इनका आंसर है। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर। हाल ही में वैश्विक कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2018 ये हाल ही में कौन से शहर में आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है। कुछ पुरस्कार वगैरह भी दिए गए हैं और इसका मेन पर्पस जो था, मेन उद्देश्य था, वो ये था कि जो फार्मर्स हैं उनको किस तरह से बाजार के साथ कनेक्ट किया जाए। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ताकि फार्मर्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ, मार्केट के साथ, इंडस्ट्री के साथ, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स सरकार लॉन्च करती है, काफी बार किसानों को उनके बारे में पता ही नहीं चलता, उन सब के साथ उनको कनेक्ट करना, ये इसका उद्देश्य था। ये दो दिन का, ठीक है, दो दिन का ये शिखर सम्मेलन था और इस बार इसकी जो थीम थी वो थी कनेक्टिंग फार्मर्स टू द मार्केट, ये इसकी थीम थी। इस मीटिंग में बहुत सारे मुद्दे डिस्कस किए गए, साथ ही साथ 2022 तक किस तरह से फार्मर्स की इनकम जो है उसको डबल किया जा सके, इसके बारे में भी बातचीत की गई। अब मैं आपको इस न्यूज से रिलेटेड एक तस्वीर दिखा देती हूँ। ये देखिए, 11th ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट 2018। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही बढ़िया दूसरा प्रश्न है कि किस देश को हाल ही में अपनी पहली महिला राष्ट्रपति मिली है? ये एक अफ्रीका का देश है, ठीक है, और ये कौन सा देश है? देश का नाम है इथोपिया। इथोपिया को मिली है अपनी पहली महिला राष्ट्रपति। ओके, क्या इथोपिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है? जी हाँ। अफ्रीका के बारे में जब भी अफ्रीका है तो आप याद रखना, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें मैक्सिमम कंट्रीज हैं, सबसे ज़्यादा देश जो है वो अफ्रीका में ही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि एशिया में ऐसा नहीं है। इथोपिया की जो पार्लियामेंट है उन्होंने अप्रूव किया है एक नई फीमेल प्रेजिडेंट का। इनका नाम आपको बताती हूँ, SHLEWORKZEWDE, ये इनका नाम है, सहेले वर्क जेवड़े। ओके, शायद ये प्रोनंसिएशन है। इन्होंने यूनाइटेड नेशंस के साथ काम किया है, बहुत सारी डिप्लोमेटिक पोजीशंस पर इन्होंने काम किया है। और हालांकि जो राष्ट्रपति होता है इथोपिया में, उसकी जो पोजीशन है बहुत पावरफुल पोजीशन नहीं है। अधिकतर जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं, परंतु फिर भी ये सिंबॉलिक है क्योंकि हाल ही में वहां पर कैबिनेट रीशफल हुआ था जिसमें कि आधे से ज्यादा जो मिनिस्टर्स हैं अब वहां पर महिलाएं हो गई हैं। ये थी जानकारी इस प्रश्न के बारे में। और अब मैं आपको नई राष्ट्रपति जी की तस्वीर दिखा देती हूँ और इथोपिया के बारे में जानकारी देती हूँ। ये देखिए, ये है नई राष्ट्रपति, ठीक है। इनका नाम मैं आपको बता ही चुकी हूँ, साहिल वर्क जेवड़े। और ये देखो, ये अफ्रीका है और अफ्रीका में यहाँ पर ये जो कंट्री लोकेटेड है, इथोपिया है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। यहाँ पर कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी क्या है? अदिस अबाबा। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर अमेरिक है। रिलीजन यहाँ पर जो अधिकतर लोग फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी है। प्रेसिडेंट यहां पर, जैसे कि मैंने बताया, फीमेल प्रेसिडेंट बनी है पहली बार। और प्राइम मिनिस्टर हैं एबी अहमद अली। करेंसी यहां पर बिर है। बिर जो है वो यहां की करेंसी है, बड़ा ही डिफरेंट नाम है करेंसी का। इथोपिया जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर लोकेटेड है। ये देखो, इस पोर्शन को हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। क्या ये एक सींग जैसा नहीं लगता? तो ये जो पोर्शन है इसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। तो इथोपिया भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो कि एक पेनिनसुला है, पेनिनसुला का मतलब प्रायद्वीप होता है, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ, वो है। इथोपिया जो है इरिटेरिया के साथ, दिजुबूती के साथ, सोमालिया के साथ, सूडान के साथ, कीनिया के साथ, इन कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। अच्छी खासी पॉपुलेशन है, 102 मिलियन इन्हेबिटेंट्स की इथोपिया की। लैंडलॉक्ड कंट्री है ये, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। अधिकतर जो लोग हैं यहाँ पर वो ईसाई धर्म के अनुयायी हैं। और यहाँ पर ये जो कंट्री है ये नेचुरल रिसोर्सेज में ब्लेस्ड है, अच्छा खासा इसका फर्टाइल लैंड है, फॉरेस्ट है, बहुत सारे रिवर्स वगैरह हैं। जो इथोपियन हाइलैंड्स हैं वो लार्जेस्ट कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है अफ्रीका का। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। इथोपिया में काफ़ी सारी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं और ये लार्जेस्ट इकोनॉमी है बाई GDP अगर हम बात करें ईस्ट अफ्रीका की। ओके, ये थी सारी जानकारी इथोपिया के बारे में।
अगला प्रश्न देखो, सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड अ फाइनल डेडलाइन फॉर भारत स्टेज फोर कार्स एज, ओके, जो भारत स्टेज फोर कार्स है देश भर में, भारत स्टेज फोर, ओके, BS4 यानी कि भारत स्टेज फोर श्रेणी के जो वाहन है उनकी बिक्री कितनी तारीख के बाद नहीं होगी, केवल इस तारीख तक भारत स्टेज फोर के जो व्हीकल्स हैं वो बेचे जा सकते हैं कार्स। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर है हमारा इसका 1 अप्रैल 2020। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि ये BS3 BS4 ये सब क्या होता है। जो गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करती है कि वो कितना एमिशन हो है जो व्हीकल्स से, यानी कि कितना वो धुआं वगैरह जो छोड़ते हैं उसको अलाउ करेंगे। ओके, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अप्रैल 1 2020 के बाद एक नया लेवल आ जाएगा और वो जो नया लेवल होगा वो होगा भारत स्टेज 6। तो 1 अप्रैल 2020 तक जो गाड़ियां बनेंगी केवल वो जो है जो कि भारत स्टेज 4 से होंगी। ओके, ये था हमारा प्रश्न 3। अब मैं आपको इससे संबंधित एक तस्वीर दिखा देती हूँ। ये देखो, चेंजिंग ट्रैक, 1 अप्रैल 2020 से डेडलाइन दे दी है टू अडॉप्ट भारत स्टेज 6 स्टैंडर्ड ऑन एमिशन। भारत स्टेज 4 व्हीकल्स जो प्रोड्यूस की जा रही हैं बिफोर ये 1 अप्रैल 2020 कुड बी रजिस्टर्ड अंटिल 30th जून ओनली दैट ईयर, और साथ ही गवर्नमेंट ने कमेंट्स मांगे हैं ऑन द ड्राफ्ट रूल्स अंटिल द 3rd वीक ऑफ दिस मंथ। ट्रक्स और बसेस जो हैं दे कुड गेट टाइम टिल 30th सितंबर 2020। तो निरंतर प्रयास की जा रही है किया जाता है कि पॉल्यूशन जो हो वो कब सबसे कम हो। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछता है कि भारत जो है और ब्रिटेन जो है वो किस नदी के डेल्टा पर शोध करने के लिए सहयोग करेंगे, कौन सी नदी का डेल्टा होगा वो। आंसर है हमारा गंगा डेल्टा रीजन। ठीक है, गंगा डेल्टा रीजन जो बे ऑफ बंगाल में है वहां पर यह शोध किया जाएगा, और शोध किन दो देशों ने मिलकर करने का फैसला किया है, भारत और यूके। जैसा कि आप जानते हैं कि गंगा नदी जो है भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। ओके, गंगा के बारे में भी जानकारी देती हूँ, साथ ही इस न्यूज़ के बारे में भी जानकारी देती हूँ। इंडिया और यूके जो है ये कोलैबोरेट कर रहे हैं बे ऑफ बंगाल और गंगा डेल्टा पर, ये रिसर्च करेंगे। आप जानते हैं कि बे ऑफ बंगाल जो है भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, साथ में हमारा जो मानसून है वो भी उससे संबंधित है, तो काफ़ी सारी चीज़ों पर स्टडी हो जाएगी इसमें। और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है उन दोनों का डेल्टा तो आपको पता है सबसे बड़ा है। गंगा नदी के बारे में अब मैं आपको जानकारी दे रही हूं। गंगा जो है दो देशों में बहती है, एक है इंडिया और दूसरा है हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। ठीक है, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। गंगा की काफी सारी सहायक नदियां हैं। अगर मैं लेफ्ट, ठीक है, बाई ओर की सहायक नदियों की बात करूं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, तो नाम आता है राम गंगा का, गोमती का, करनाली का, गंडकी, कोशी और महानंदा का। अगर मैं बात करती हूँ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, तो गंगा की काफी प्रमुख राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना, तमसा, सोन नदी। ओके, अगर हम बात करते हैं शहरों की जो गंगा के किनारे लोकेटेड हैं, बहुत सारे शहर गंगा के किनारे लोकेटेड हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, रायबरेली, फतेहपुर, इलाहाबाद। ओके, अब आपको पता है इलाहाबाद का नाम भी बदलने वाला है, वाराणसी, बक्सर, पटना, मुंगेर, फरक्का, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, ये सभी जो हैं ये गंगा के किनारे लोकेटेड हैं। साथ ही साथ अब गंगा का सोर्स कहाँ से शुरू होती है, ये गंगोत्री ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर से स्टार्ट होती है जो उत्तराखंड में है। गंगा भारत में बहने वाली नदियों में, भारत में बहने वाली नदियों में सबसे लंबी है, 25-25, ठीक है ना, इजी फिगर है याद रखने के लिए, 25-25 किलोमीटर लंबी है गंगा नदी। ठीक है, तो ये थी सारी जानकारी क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ओके, भारत से बहती हुई फाइनली ये एंटर कर जाती है बांग्लादेश, बांग्लादेश जाकर मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी से। क्वेश्चन नंबर 4, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहूंगी कि एसएससी सीजीएल 2018 के लिए हमारा एसएससी सीजीएल टियर 1 जॉब अश्योर प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। इसका स्पेशल बैच जो है वो 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली एचसीएस 2018 के लिए भी हमारा न्यू ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है जो 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। सभी स्टूडेंट्स जो 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में दाखिला लेंगे उनको 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है सभी कोर्सेज पर, तो आपके लिए सुनहरा मौका जब नया स्पेशल बैच भी स्टार्ट हो रहा है और साथ में डिस्काउंट भी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है,
कि कौन से देश में नाटो का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास और सबसे बड़े सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ट्राइडेंट जंचर 2018 शुरू किया गया है। इस प्रश्न का आंसर जो है वो नॉर्वे है, ये नॉर्वे में शुरू किया गया है। नॉर्वे आपको पता है वर्ल्ड में जब भी अच्छी कंट्रीज की बात आती है तो नॉर्वे उसमें सबसे ऊपर होता है। पहले आपको जानकारी देती हूँ कि करीबन 50,000 ट्रूप्स जो हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं। नंबर एक, बहुत सारे नेटो के सदस्य जो हैं वो भी इसमें भाग ले रहे हैं। ओके, और इसमें किस चीज की क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि ये ट्रेन करे अलायंस को, ताकि वो जो उनके रिसोर्सेज हैं, जो उनकी सेना है, उसको मोबिलाइज कर सके क्विकली जब भी कोई अटैक वगैरह हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब मैं आपको नॉर्वे जो है मैप में भी दिखाती हूं और इस से रिलेटेड एक तस्वीर भी दिखा देती हूं। ये देखो, ट्राइडेंट जंक्चर 2018 नेटो एक्सरसाइज, ये देखिए मैप में, ये है नॉर्वे। ये आपको यहां पर एक कंट्री नजर आ रहा है, दिस इज नॉर्वे। ओके, कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी क्या है? यहां पर ओस्लो है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की नॉर्वियन है। यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ये मोनार्क जो है यहां पर, उनका नाम है हराल्ड फिफ्थ। प्राइम मिनिस्टर एर्ना सोलबर्ग। प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर टोन डब्लू तोरेन, और साथ ही स्टोटिंग जो है वो यहाँ की लेजिस्लेचर का नाम है। जब भी हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो नॉर्वे की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जबरदस्त हाई है, वेरी वेरी हाई। अधिकतर समय ये फर्स्ट पोजिशन पर ही रहा है। और करेंसी है यहाँ पर नॉर्वियन क्रोन। ओके, साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप देखें ये नॉर्वे है, इधर ये स्वीडन है, इधर ये फिनलैंड है। ये तीनों कंट्रीज जो है ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाती हैं। ओके, ये जो कंट्री है अच्छा खासा बॉर्डर शेयर करता है स्वीडन के साथ। और नॉर्वे को हम लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहते हैं। मिडनाइट का मतलब क्या होता है? आधी रात को सूर्य दिखना। तो नॉर्वे को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन इसलिए कहा जाता है क्योंकि साल के कुछ ऐसे दिन होते हैं जहां पर गर्मियों के दिनों में सूरज जो है वो आधी रात को भी देखा जा सकता है। साथ ही साथ चमकीली रोशनियां भी यहां पर नजर आती हैं, जिनको हम कहते हैं ओरोरा बोरोलिस, जो यहां पर नजर आती हैं फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें नॉर्वे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है 2001 से लेकर 2011 तक। ठीक है, ऑलमोस्ट 11 साल में 9 बार नंबर वन पोजीशन पर नॉर्वे ही रहा है। ओके, नॉर्वे में एक नोबेल प्राइज दिया जाता है, और मेरा जो नोबेल प्राइज का वीडियोज था जिसमें कि मैंने 100 क्वेश्चन आपके लिए इंक्लूड किए थे, उसमें मैंने डाला था। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि नॉर्वे में जो नोबेल प्राइज दिया जाता है वो कौन से क्षेत्र का है? वो लिटरेचर का है, फिजिक्स का है, मेडिसिन का है, केमिस्ट्री का है, पीस का है, वो कौन सा प्राइज है? साथ ही साथ नॉर्वे जो है विंटर ओलंपिक्स की अगर बात की जाए तो ये वो देश है जिसने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। तो ये थी सारी जानकारी नॉर्वे के बारे में। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू क्यूएस एशिया रैंकिंग्स, क्यूएस एशिया रैंकिंग 2019 के मुताबिक भारत में सबसे ऊंची रैंकिंग पाने वाला संस्थान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6। आंसर है हमारा आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे को मिला है प्रथम स्थान। ये इंस्टीट्यूशंस को एक रैंकिंग दी जाती है, और भारत के करीबन 19 इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिन्होंने टॉप 200 में अपनी पोजिशन बनाई है, और इसमें जो सबसे ऊपर 33rd पोजिशन पर है वो है आईआईटी बॉम्बे। आइए मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखो, रैंक 1 किसको मिला? ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को मिला। रैंक 33 ये भारत का जो सबसे शीर्ष पर है वो आईआईटी बॉम्बे है, और आईआईटी दिल्ली जो है ये 40वें रैंक पर था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहां पूछा गया है, बर्लिन में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन स्टार्टअप पुरस्कार 2018 जो है वो किसने जीता है? ये भारत के एक यंग साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रूपम शर्मा, उन्होंने जीता है। आंसर इसका डी होगा। रूपम शर्मा की उम्र देखकर आपको बहुत ताज्जुब होगा, केवल 23 ईयर्स के हैं, और बहुत ही बढ़िया इनका आविष्कार है, उसके बारे में भी आपको बताती हूँ। इंडियन साइंटिस्ट हैं ये, इन्होंने जीता है। इन्होंने क्या दिया, ऐसा क्या इन्वेंट किया? इन्होंने दिया है MANOVUE, मैनूवी। ओके, ये मैनूवी क्या है? ये दुनिया का पहला, वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट है जो कि अंधे लोगों की मदद करेगा। ठीक है, जैसे अंधे लोग जो है वो ब्रेल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं प्रिंटेड टेक्स्ट वगैरह को पढ़ने के लिए, ये उसमें उनकी मदद करेगा। तो इस आविष्कार के लिए इसको क्या मिला? इसको मिला है वर्ल्ड, इसको मिला है आपका वर्ल्ड हेल्थ समिट स्टार्टअप अवार्ड 2018। रूपम शर्मा जी की आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, ये है रूपम शर्मा, वेरी वेरी यंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूछा गया है बेन्यामिन द्वारा लिखी गई वो कौन सी पुस्तक है जिसने जेसीबी का साहित्य पुरस्कार जीता है। ओके, ये आपसे पूछा गया है। अब ये जो पुस्तक है इसका नाम है जैस्मिन डेज, आंसर इसका ए है। ये जो लेखक हैं ये लिखते हैं मलयालम लैंग्वेज में। कौन सी भाषा में लिखते हैं? ये मलयालम लैंग्वेज में ये लिखते हैं। इनको ये प्राइज मिला है मलयालम ऑथर बेंजामिन को, जो जेसीबी प्राइज मिला है लिटरेचर के लिए। पुस्तक का नाम है जैस्मिन डेज और इसमें क्या लिखा है इन्होंने, जैस्मिन रेवोल्यूशन जो है ये दिसंबर 2010 से लेकर करीबन जनवरी 2011 के बीच में हुई थी और इसमें एक यंग महिला की कहानी है जहां लगा था कि क्रांति होने वाली है लेकिन एक्चुअली फिर वो किस तरह से डिस्ट्रक्टिव हो गई, उस बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। प्रश्न, भारत ने जलमार्ग कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने हस्ताक्षर किए हैं बांग्लादेश के साथ। भारत और बांग्लादेश ने काफी सारे एग्रीमेंट साइन किए हैं ताकि इनलैंड और कोस्टल वाटरवेज की जो कनेक्टिविटी है उसको सुधारा जा सके। बांग्लादेश के दो बंदरगाह हैं, दो पोर्ट्स हैं, चैटोग्राम और मोंगला पोर्ट्स। ओके, ये बांग्लादेश में हैं और इनको ओपन किया जाएगा अग्रीमेंट के अनुसार, जिससे कि जो मूवमेंट ऑफ गुड्स वगैरह है वो और ज्यादा सहूलियत के साथ किया जा सके। इससे संबंधित एक तस्वीर देखिए, ये देखिए भारत और बांग्लादेश। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम आ गए हैं अंतिम प्रश्न पर। केंद्र सरकार ने कितने उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की घोषणा की है, यानी कि कितने ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जहां पर कि नए उनको चीफ जस्टिस मिलेंगे। ओके, तो आंसर क्या है इसका? आंसर जो है वो 5 है, 5 ऐसे हाई कोर्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? वो हैं बॉम्बे, कलकत्ता, उत्तराखंड, गुवाहाटी और सिक्किम। ये था हमारा प्रश्न 10। चलते हैं क्विज पर। आज क्विज में आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे हैं मैंने। पहला है कि भारत और ब्रिटेन किस नदी के डेल्टा पर शोध करने के लिए सहयोग करेंगे। फिर दूसरा पूछा है, बताइए गंगा नदी की लंबाई क्या है और निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। ये तीनों आप इनके आंसर्स दीजिए। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपके लिए संभव हो सके, और मैं आपकी आभारी रहूंगी, आप वीडियो को जितना हो सके शेयर करने की कोशिश करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस को तो सब्सक्राइब भी करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, मुलाकात होगी कल। बाय बाय।